मटन या अपने पालक को शरीफा देसी चिकन पालक देसी चिकन यखनी चावल उबले फ्रेंड राइस ज़्यादातर आपके पास कश्मीरी खाने हैं ऐसे ही है वो आपके पास वो भी हैं आपके पास मोस्टली सर्दियों में पकाते हैं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा होटल है लेकिन टेस्टी खाना है काफ़ी उसका। तो अभी हमने जस्ट यखनी मंगवाई थी टेस्ट के लिए काफ़ी डिलीशियस है और एक अभी हमने मंगाया है वो हरीसा जो है वो मटन में बना होता है और वो हलीम की तरह होता है। अभी जो हमने वो ऑर्डर किया है वो भी आपको दिखाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं फिर आपको उसके ऊपर ग्रेडिंग करते हैं कि कितने ग्रेड हैं। थैंक यू। और ये है मटन हरीसा और पालक अपनी की तरफ से। ये थैंक यू सर। राजा बाजार के अंदर दिलबर होटल में हैं। मेरे कस्टम परवेज साहब हमारे साथ हैं। हम हमारे कस्टम परवेज से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अंकल पहले तो अंकल के लिए हम आए थे यहाँ पर जस्ट बाइक का टायर चेंज करवा उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे घूमे फिर हमें पता चला कि हरीसा का हमने कहाँ से दिलबर होटल से घूम के दो मरतबा तो हम आगे चले गए थे और ये कितना टाइम हो गया। इसकी हिस्ट्री है पहले तो होटल ही चलते थे ना रेस्टोरेंट तो अब ये मॉडर्नाइज हो गया ना रेस्टोरेंट पहले तो होटल ही होते थे खाने पीने के लोग जाते थे। मेरे वाले साहब 47 में माइग्रेट करके आए कश्मीर से आपको 35 फीट बड़ा हमारा इलाका है वहाँ श्रीनगर के साथ बारामूला। तो वो ब्रिटिश आर्मी में थी वहाँ से उन्होंने जब वहाँ माइग्रेट करके आए पाकिस्तान तो उन्होंने होटल खोला जहाँ इसी एरिया पार्क में भी खोला 47 में पुराना किला इसका नाम गली का नाम है ब्राह्मणा गली या सिख हिंदू रह जुर्माना में वो इन्होंने छाकर खोला। इन्होंने यानी कि 47 में चाय का स्टार्ट किया यानी कि ब्लैक टी हो वो 2-3 साल में चाय उसके बाद 50 में हमारे पास जो कुक थे ना वो कश्मीरी वो यानी कुक क्या थे मेरे वाले साहब मेरे मामू के होते थे एक दोस्ताना माहौल था इनका कश्मीरी खाना खुद बना के खाते थे। लोगों ने कहा यार ये आप लोग खाते कश्मीरी खाना हमें भी खाया ना 1950 ये वो खाना जो आपको श्रीनगर और पूरा जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये डिशे जो है हमारे यहाँ पूरा कश्मीर वैली की मोस्टली आपके पास मीट का जो है हाँ जी यहाँ कंसेप्ट भी है कि यहाँ मटन इस्तेमाल होता है बाकी जो चिकन है देसी चिकन भी होता है ब्रॉयलर भी होता है तो फिश की होती है लेकिन खानों में जितना हम वो जो मटन वो पता चलता और पिछले फिलहाल एक 70-75 साल अंकल जी माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं और अंकल ने इंटरनेट का भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है जी फाइबर ऑप्टिक और अंकल ने ये बाइक या कैश भी अंकल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। 2-3 जगह उन्होंने ये लगाया हुआ है और माशाल्लाह बिल्कुल सफाई सुथराई का बेहतरीन सेटअप है और ऐसे लगता है कि जी जी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी जो है मेडिकल कॉलेज जी जी वो भी हमारे मरीज है जी 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 बिल्कुल घर वाले खाने का है बिल्कुल कश्मीरी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमारे तरक्की करें और अपने शोबे में तरक्की करें पाकिस्तान के लिए मेहरबानी शुक्रिया।